हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो आज मैं बनाने जा रही हूँ वो है ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग पुलाव, प्लेन पुलाव। तो देखिए इसके लिए हमें क्या चाहिए। हमने चावल को यहाँ लिया हुआ है, जीरा राइस, और इसे अच्छे से सोक करके रख दिया है मैंने आधे घंटे के लिए। साथ ही साथ हमें रिफाइंड ऑयल चाहिए होगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और थोड़ा सा 2-3 स्पून जो है हमने चना दाल को भी, चना दाल लिया हुआ है उसे भी हमने पानी में सोक किया हुआ है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना नहीं, बट मैं इसे यूज करूंगी। यहाँ पे गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता लिया है और ग्रीन चिली, और जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जो हमें चाहिए स्टार्टिंग में ही, बिगनिंग में, वो है यहाँ पे बे लीव्स और सिनेमन स्टिक, क्लोव और इलायची। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें जितना हमारा होल स्पाइसेस है वो फटाफट डाल देंगे, और इसके होने जैसे ये क्रैकलिंग साउंड आएगा हमें राइस को इसमें ऐड करना है। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने सारा होल स्पाइसेस जो है वो ऐड कर दिया, और अब हम फटाफट इसमें हमारा सोक राइस ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने चावल डाला और हाफ टी स्पून जो है मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और हमारा जो सोक हो रहा था दाल वो डाला है। हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें 4 जो है ग्रीन चिली भी डालेंगे। इन सबको हमें अच्छे से फ्राई करना है। हमारा राइस अच्छे से फ्राई हो चुका है, देखिए अब हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। पानी आप बॉईल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी पक जाएगा। और इसका अंदाज क्या है, पानी कितना डाले, जितना आपने चावल लिया है उसी बर्तन से डबल अमाउंट ऑफ पानी लेना है आपको। लेकिन अगर आपने सोक किया है राइस को हाफ एन आवर के लिए, तब आपको डबल जितना आपने अमाउंट लिया उसमें से आपको हाफ कप जो है पानी निकाल कर और तब इसमें ऐड करना है, तो ये आपका परफेक्ट पुलाव बनेगा। चलिए तो मैंने यहाँ पे 5 ग्लास राइस लिया था, इसलिए मैं यहाँ और सोक भी किया था मैंने, तो मैं इसलिए पानी जो है 9.5 ग्लास पानी डालूंगी इसमें। अब आप नमक देख लीजिए, नमक आपको कितना चाहिए, नमक डालकर और हाई फ्लेम में इसे बॉईल होने तक के लिए पकाना है। जब ये बॉइलिंग आ जाए तो हम इसे बिल्कुल सिम में कर देंगे, और सिम में करके इसे बीच में आपको चेक करना है, ये बिल्कुल सिम में आके धीरे धीरे ये पक जाएगा। आपको बिल्कुल भी इसे पलटना नहीं है, उस टाइम तक आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है इसको। चलिए तो मैं इसमें नमक ऐड करती हूँ और इसे ढककर बॉइल होने के लिए छोड़ देती हूँ। देखिए हमारा पुलाव जो है वो पक चुका, आप देख सकते हैं पूरा पानी जो है इसका सूख गया और राइस भी बहुत सॉफ्ट बना है। अब यहाँ पे हम ऑरेंज फूड कलर जो होता है हम उसे ऐड करेंगे। ये देखने में बहुत सुंदर नजर आता है, थोड़ा पानी मिलाकर या दूध मिलाकर आप ऐड कर सकते हैं। और हम यहाँ पे थोड़ा ग्रीन कोरिएंडर लीव से इसे गार्निश करेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है ट्रेडिशनल पुलाव बनकर तैयार है। ये देखिए हमारा ट्रेडिशनल पुलाव बनकर तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए घर पर, बताइए कैसा बना। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।